सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो लोग कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, लाइक वो अगर आप ओबीसी एनसीएल से हो, एसटी एससी ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से हो, लेकिन वो आप जनरल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप ये कर सकते हो। इसका क्या प्रोसेस होता है, बहुत सारे लोगों ने मेरे कॉमेंट करके पूछा, भैया आप इस पर एक वीडियो बनाइए, क्या प्रोसेस है। उनको कहीं भी ये चीज़ें क्लियरिटी नहीं मिल रही, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाए किस तरीके से आप अपना कैटेगरी चेंज कर सकते हो और आप जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट करके आप ओपन कैंडिडेट की तरह आप सीट ले सकते हो, ठीक है, जो सा काउंसलिंग में। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप काउंसलिंग हेल्पडेस्क नहीं ज्वाइन किए तो जरूर ज्वाइन करना, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। ओके, ज्वाइन करने के बाद आपको उसी दिन कॉल आ जाएगा, फिर उसके अगले दिन आपको कॉलेज लिस्ट च्वाइस फिलिंग मिल जाएगा। ओके, सो जरूर से जरूर ज्वाइन करना। ऑल राइट, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसका प्रोसेस क्या होता है मैं डिटेल बताऊंगा। ओके, सो अगर आप जो जोसा के वेबसाइट पर बिजनेस रोल दिया है उसके ब्राउज़र में पढ़ोगे तो उसमें क्लियरली लिखा है कि अगर आप जैसे राउंड वन स्टार्ट होता है, अगर आप लाइक ओबीसी कैटेगरी से हो, ठीक है, और आपको ओबीसी कैटेगरी सीट मिलता है और आपके पास कोई भी वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, तो आपको अगले राउंड से लाइक राउंड वन के बाद से राउंड टू राउंड थ्री राउंड फोर में जो भी सीट मिलेगा ना वो जनरल कैंडिडेट से मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसका प्रोसेस क्या होता है, सिंपली जोसा के वेबसाइट पर ही कुछ दिन बाद आपको एक डिक्लेरेशन मिल जाएगा, ठीक है। लाइक आप अपना कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, लाइक आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इसका दो तरीका होता है चेंज करने का, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास अगर लाइक सर्टिफिकेट नहीं है तो वहाँ पर एक आपको फॉर्मेट मिलेगा, डिक्लेरेशन मिलेगा, जो हर चीज़ के तरह डिक्लेरेशन होता है, जैसे आप लोग जेईई मेन के टाइम डिक्लेरेशन फिल किए थे, ठीक है, तो उसी तरीके का डिक्लेरेशन होता है कि आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, आप कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं ओबीसी से एससी एसटी से आप जनरल में करना चाहते हैं, तो जब भी आपको कोई राउंड वन में सीट मिलेगा, चाहे राउंड टू में राउंड वन में, आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जगह ना उसको उस डिक्लेरेशन को अपलोड करना है। उसके बाद से आपका राउंड वन का सीट तो कैंसिल हो जाएगा जब भी सीट मिलेगा, लेकिन अगले राउंड से आपको ट्रीट किया जाएगा जनरल कैंडिडेट की तरह, ठीक है। तो एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये है कि जो आप सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, लाइक आप डिक्लेरेशन अपलोड नहीं करते हो, ठीक है, लाइक अपना ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हो या एससी एसटी अपलोड करते हो और वो पाया जाता है कि इनवैलिड है, तो अगले राउंड से आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ये एक तरीका है आप अपना कैटेगरी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया हो, जो लोग बार बार ये पूछ रहे थे क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से हम लोग अपना कैटेगरी चेंज कर सकते हैं जनरल कैंडिडेट में, और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे क्या हम लोग जनरल से एसटी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल कर सकते हैं, तो इसका आंसर नहीं, आप नहीं कर सकते हो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने के लिए थैंक यू सो मच, और लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जोसा काउंसलिंग में काफी आपको हेल्प मिलने वाला है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।